नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज मैं आपको कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार, जिसको हमने स्वर और व्यंजनों का जो डिवाइडेशन था वो हमारी पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अयोगवाह ध्वनियां, ड और ढ का उच्चारण, और ज, फ और आगत व्यंजन, आगत वर्णों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, ये सब जानकारी हम आज के इस क्लास में करेंगे। तो देखिए, कुछ एक बातें हैं जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ड और ढ हिंदी वर्णमाला में अपना लिए गए व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। ड और ढ, अब देखिए, आपने वर्णमाला में, यहाँ पर देखिए वर्णमाला में आपने क्या देखा, ये देख डेड है, ये देखा इनके नीचे डॉट नहीं था। लेकिन अब हिंदी वर्णमाला में दो ऐसे व्यंजन आए ड और ढ जो सेम है, पर उनके नीचे डॉट है। ये संस्कृत में नहीं थे, इनके ड और ढ के उच्चारण में भेद किया जाता है। ड और ढ का प्रयोग शब्द के पहले न करकर प्राय बीच में या अंत में किया जाता है। अब आप इसमें ध्यान दे के देखिएगा, ये जो ड है जिसके नीचे बिंदी है, ये वाला अक्षर कभी भी स्टार्टिंग में यूज नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए डलिया, हम लिखते हैं डलिया, ड ली या, ठीक है, हमने लिखा डलिया। तो डलिया में डे जो स्टार्टिंग में डे लगा है ना, इसके नीचे कभी भी डॉट वाला डे नहीं आएगा। स्टार्टिंग डे है वो सिंपल डे वाला आएगा। इसी तरीके से देखिए कड़ाही, कड़ा, ये स्टार्टिंग में नहीं है या बीच में या फिर एंड में है। तो बीच या एंड में अगर होते हैं तो हम उसके नीचे डॉट वाला डे लगा सकते हैं। इसी तरीके से ढे में भी ऐसा होगा, है ना। ढोल, हम लिखते हैं ढोल, ये लिखा हमने ढोल, ढोल, ढोल। अब ये स्टार्टिंग में ढे आ गया, इसलिए इसके नीचे डॉट नहीं है, है ना। और जो बाद में आता है ना ढ, उसमें हम डॉट लगाते हैं। सेम यही ड और ढे में, दोनों में यही बात होगी। इसके बाद में हम देखते हैं ज, फ और ओ, इनको हम आगत वर्ण कहते हैं। आगत यानी आए हुए, आगत यानी दूसरी भाषा से आए हुए शब्द क्या कहलाते हैं, आगन, आगत वर्ण कहलाते हैं। ज और फ का प्रयोग प्राय उन शब्दों में होता है जो अंग्रेजी तथा अरबी फारसी से आए हैं, और ओ का उच्चारण आ या ओ के बीच की स्थिति है, यह अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त तो होता है। क्षत्रज्ञ औष्ट्र, इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्ष यानी क प्लस श से मिलकर बना है, त्र किससे मिलकर बना है, तय प्लस र से, ज्ञ किससे मिलकर बना है, जय प्लस ज्ञ से, औष्ट्र किससे मिलकर बना है, श प्लस र से। ज्ञ का उच्चारण हिंदी में आधा ग और य से होता है, जैसे ज्ञान, ज्ञान को हम ज्ञान भी लिखते हैं, जबकि ज्ञान ये वाला सही उच्चारण हम बोलने के लिए यूज में लेते हैं, जबकि लिखा क्या जाता है, ज्ञान। अयोगवाह, अब हमें पढ़ना है अयोगवाह है। हिंदी में स्वर और व्यंजनों के मध्य दो ध्वनियां ऐसी हैं जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। ये ध्वनियां हैं अनुस्वार यानी डॉट और विसर्ग यानी अह। ये दोनों ध्वनियां ए आदि स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती। ए आदि स्वर के योग से वहन होने के कारण ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे दंत प्रातः, यानी ये जो भी ध्वनियां होती वो ए के योग से ही बोली जाती है। जैसे देखिए दंत, अ के स्वर आ रहा है प्रातः, तो ये विसर्ग से जो पहले वाला स्वर है उसमें ए का योग आ रहा है। ध्यान दीजिए, अनुस्वार के उच्चारण के लिए उससे पहले ए या अन्य कोई स्वर आना चाहिए, वरना इसका उच्चारण नहीं हो सकता। प्रातः में है का उच्चारण करने से भी पूर्व ए आता है। देखिए प्रातः, तो त के साथ क्या आ रहा है, प्रातः। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होती है, हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर दे के बोला जाता है, जैसे कंठ, कंत, पंत, चंद,
ऐसे वाले वर्णों में क्या हो जाता है, अनुस्वार लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप अनुनासिक, जो स्वर मुख और नाक दोनों स्थानों से जिन निकलता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। इन्हें चंद्रबिंदु के रूप में वर्ण पर लगाया जाता है। जैसे देखिए कांपना, हांफना, भांपना, भांति आदि। याद रखिए अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में बहुत से लोग भूल कर जाते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतएव इनके उच्चारण में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए हंस और हंस शब्दों को लीजिए। हंस में अनुस्वार लगता है, इसका उच्चारण अनुनासिक लगे शब्द हंस से हंस से एकदम भिन्न है। हंस एक पक्षी है, जबकि हंस में अनुनासिकता का प्रयोग किया जिसका अर्थ है हंसना। हंस और हंस शब्दों के उच्चारण से हमें पता चल रहा है हंस और हंस। यहाँ पर हमें स्वरों की मात्राएं दी गई है, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए आ की मात्रा में किसी भी वर्ण के आगे एक खड़ी पाई लगा देने से आ की मात्रा बन जाती है। ये ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, और ये आई की मात्रा है, ये ओ की और ये औ की। इसी तरीके से देखिए ये अयोगवाद ध्वनियां आपके पास आ गई है अंग और अ, जिनको हम स्वरों में स्थान नहीं देते अंग और अ को। याद रखिए अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। अस्वर के बिना लिखे जाने वाले व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, बिना अ का लिखा गया जो वर्ण होता है वो क्या होता है, आधा होता है। क ख ग सबके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर अ का और ए है वो इनके साथ मिक्स नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों का उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। बोलते समय हमारी जीभ मुख के किस भाग का स्पर्श करती है उसी से उस वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। स्थान भेद से व्यंजन वर्णों के निम्नलिखित उच्चारण स्थान कहे जा सकते हैं। ह यानी हमारे स्वर से, स्वर यंत्री से, क ख ग घ गले से, च छ ज झ ञ य और श ये तालु से, ट ठ ड ढ ण र और श मूर्धा से, न ल स दांतों की जड़ से, त थ द ध दांतों से, प फ ब भ म दोनों होठों से, व दांत और होठ से। यानी इनका उच्चारण दांतों और होठों से दोनों जगह से होता है। नासिक के हर व्यंजन वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। नेक्स्ट देखिए अन्य कुछ संयुक्त व्यंजन। कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजन है, मान लो दो व्यंजन एक साथ होते हैं, जैसे हड्डियां जिसमें ड ड दो एक जैसे है, पर इसमें जो फर्स्ट जो ड आएगा वो आधा आएगा और सेकंड वाला पूर्ण होगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट हमारा एक तो एक जैसे वर्ण वाला आता है, जैसे देख उद्देश्य, उद्देश्य में द द है तो आधा द पहले आएगा पूरा द बाद में आएगा। ये तो थे एक जैसे वर्ण वाले। अब देखिए आधे मैं आपको लिख के दिखाया था विद्या, तो द आधा इसके नीचे हल चिन्ह, विद्वान द आधा उसके नीचे हल चिन्ह। अब एक चीज मैं आपको बहुत ध्यान देने योग्य और शुद्ध लिखने के लिए बताती हूँ। देखिए ये अपना विद्वान शब्द था, ये अपना विद्वान शब्द था। अब विद्वान को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो इसके लिखने का तरीका क्या होता है, जो वर्ण आधा होता है वो चढ़ता है आपके ऊपर, यानी ऊंचा चढ़ जाएगा आधा वर्ण, और इसके नेक्स्ट भाग में क्या आ रहा है वह, तो वह चढ़ जाएगा इसकी टांग में। ये देखिए वह 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 यानी आ की मात्रा तो यहाँ लग जाएगी वाह की, और वह इसके पैरों में लग जाएगा, तो विद्वान। ये आपका शुद्ध शब्द ये भी है और ये भी आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी व्यंजन ऊपर नीचे संयुक्त होते हैं तो ऊपर स्वर रहित व्यंजन होता है। ये चीज मैंने आपको लिख के बताई है कि स्वर रहित व्यंजन कहाँ होगा, ऊपर होगा। देखिए विद्या में मैंने लिख के, देखो विद्या में फिर लिख के दिखाती हूँ मैं। विद्या देखो वी, ये देखिए विद्या लिखी थी ना आपने, वी ऊपर एज इट इज रहेगा, द है वो आधा है, द आधा है, इसका मतलब द कहाँ चले जाएगा, यहाँ द चला गया। अब या तो या यहाँ पर अपने को ऐसे बनाना है या,
विद्या। इज दैट क्लियर। आगे देखिए र के कुछ नियम। अब र है वो भी विभिन्न विभिन्न प्रकारों से लिखा जाता है, तो हमें यहाँ पर र के कुछ नियम दिए गए हैं, ये नियम हम पढ़ते हैं। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगता है। इसके अनेक रूप होते हैं, यानी आधा र आपको कैसे लगा सकते हो, आप देखिए पाई वाले व्यंजनों के साथ र नीचे लगाया जाता है। जो पाई वाले व्यंजन क्या होते हैं, जो सीधे व्यंजन होते हैं, जैसे ये वाले, ये लंबी जो डंडी होती है इसको पाई बोलते हैं। इसके साथ अगर आधा आधा र आप लगाते हो तो प्र प्रकाश, है ना, प्रकाश लगाते हो ना, प के नीचे आधा र। इसी तरीके से देखो क्रम, तो ये आपके खड़ी पाई वाला शब्द है, ये रहा पाई वाला शब्द है, इसके आप र कैसे लगाओगे, ऐसे क्रम क्रमांक, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या आ रहा है, गोलाई वाले व्यंजन। गोलाई वाले व्यंजन अपने पास कौन कौन से हैं, ट ठ ड और सॉरी ठ ड और ढ, ये अपने पास गोलाई वाले हैं। तो इसके नीचे देखिए ट्रक, है ना, ड्रम, ट्रे, ट्रे भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये वाले शब्द हैं उनके नीचे आधा लेयर लगाना हो तो जो गोल वाले शब्द हैं उनके कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, एक चोंच के रूप में लगेगा। सह के साथ रह का प्रयोग, सह के साथ रह का प्रयोग में सह के साथ ये लग जाएगा त्रय की तरह से, तो हम इसको पढ़ते हैं स्रोत, त्रोत नहीं होता, स्रोत होता है, हम इसको बोलते हैं स्रोत। सह का योग बनेगा सह के साथ र, स्रो रो, रो की आवाज आ रही है, स्रोत। द और है के संयुक्त व्यंजन भी विशिष्ट होते हैं, इन दोनों के नीचे तिर्यक रेखा होती है, तो इससे बनने वाले व्यंजन भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं द के साथ संयुक्त व्यंजन, ये देखें द वार द्वार, ये अपना ऊपर जो वर्ण चढ़ रहा है वो हमारा आधा होगा, तो यानी द आधा, नीचे हमारे क्या चढ़ रहा है, व, व के साथ किसकी मात्रा लगी है, आ की, तो ये होगा द्वार। शुद्ध, शु, अब द ऊपर चढ़ रहा है तो द आएगा यहां पर नीचे, और ध इसके पैरों में आए तो ध आएगा यहाँ, ध पूरा होगा शुद्ध। तो इस प्रकार से हमें संयुक्त शब्द लिखे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए र और री की मात्रा में अंतर, ये देखिए ग के नीचे ये तिर्यक रेखा खींची गई है, ये तो हमारी र की मात्रा है, और ग के नीचे ये जो मात्रा लगाई गई है ये री की मात्रा है। इसी तरीके से देखिए र के साथ उ की मात्रा लगने पर रू बनता है, और र के साथ उ की मात्रा लगने पर रू बनता है। जैसे देखिए रुपया लिखते हो ना आप, रुपया, और र के साथ उ की मात्रा रूप, है ना, रूपवान, रूपवती, रूमाल। तो जहां पर तेज शब्द में मतलब टाइम लगता है, समय लगता है, वहां पर रू बनता है, और जहां पर समय नहीं लगता, फटाफट बोला जाता है, वहां पर रू बनता है। अब देखते हैं हम वर्ण विच्छेद, विद्या। तो यहाँ पर हम वर्ण विच्छेद करके मैं आपको बताती हूँ विद्या। तो वह, सबसे पहले वह लगाइए, वह के नीचे आपको हल चिन्ह लगाना है, प्लस व में किसकी मात्रा है, ई की, तो व प्लस ई क्या बना, वी। फिर नेक्स्ट देखिए ऊपर कौन सा वर्ण चढ़ा हुआ है, द, तो हमने लगाया द प्लस ये लिखा, क्यों नीचे ये लगा हुआ है, ये में किसकी शब्द मिक्स है, आ का, तो क्या बना, विद्या। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट अक्षर, यह वह ध्वनि अथवा ध्वनि समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में होता है। एक अक्षर वाले वर्ण, तो ये सब चीजें आपको समझ में आई गई होगी। बलाघात किसको बोलते हैं, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बलाघात। देखिए जैसे मेरे भाई से वह काम बिगड़ गया, तो इस वाक्य में भाई शब्द पर बल दिया गया है कि ये काम जो बिगड़ा है वो मेरे भाई से बिगड़ा है ना, किसी अन्य से नहीं। तो ये हमारे बुक वो समाप्त होता है। अब हम बुक की एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो आइए करते हैं बुक की एक्सरसाइज। स्वर और व्यंजन का अंतर उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें आप बताएंगे कि स्वर का उच्चारण है वो
आसानी से हो जाता है। स्वर को उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है और व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में आप बता ही दोगे उदाहरण सहित। आगत वर्ण किसे कहा जाता है? आगत वर्ण ज, फ और ओ को कहा गया है क्योंकि आगत वर्ण है वो अन्य भाषा से लिए गए वर्ण है। ज और फ अरबी भाषा से लिया गया है जबकि ओ है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसके प्रयोग के साथ आप उदाहरण दे दीजिए, वो आपको अपनी पीडीएफ में मिल जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्षत्र ज्ञ उष्ट्र ये किस किस से मिलकर बने हैं वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट देखिए, प फ ब भ म, ये आपके क्या है उच्चारण स्थान? इसका ओष्ठ। कहाँ से बोले जाते हैं ये? ओष्ठ से, यानी होठों से बोले जाते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ट ठ ड ढ, ये क्या होगा? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा। नेक्स्ट देखिए, ड ड ण न और मैं, ये इसका उच्चारण स्थान हमारा कौन सा होगा? इसका उच्चारण स्थान होगा नासिक के। इसका उच्चारण स्थान हमारा कौन सा होगा? नासिक के। तो हम इसको लिखते हैं नासिक के, ना नासिका भी लिख सकते हो, तो नासिक के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? वह, वह में दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ट, दंतोष्ट। तो वह को हम क्या नाम देंगे? दंतोष्ट। नेक्स्ट देखिए, पांच ऐसे शब्द जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। देखिए, पांच, दांत, कांच, हंस, गांव, चांदनी। अनुस्वार के देखिए, पंकज, हंस, मंद, चंद, संबंध, कंठ। इसी तरीके से देखिए, उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक हमें लगाना है, तो ये हम यहाँ पर लगाते हैं आंख। आंख पे हमारे आएगा अनुनासिक, डंक अनुस्वार, सांप, सांप में हमारे आएगा अनुनासिक। नेक्स्ट देखिए, अंक, अंक में आएगा हमारे अनुस्वार, कांच, अनुनासिक। ये क्या आएगा? जंग, जंग में आएगा हमारे अनुस्वार। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें सही पे टिक लगाना है, तो देखिए आइए लगाते हैं हम टिक। ए उरी, ये क्या है? हस्व स्वर। ये हमारे क्या है? अयोगवाह। ए आई ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर है। क ख ग घ, ये हमारे क्या है? ये हमारे व्यंजन है। नेक्स्ट देखिए, क्षत्र ज्ञ श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। न म ण, ये क्या है? नासिक के व्यंजन। य र ल, हमारे अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। संयुक्त व्यंजनों के उचित विच्छेद पर क प्लस श, ये हमारा सही है। त प्लस र, ये हमारा सही है। ज्ञ, ज प्लस य, ज प्लस य, ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, श प्लस र, ये हमारा सही है। यहाँ पर हमें देखिए वर्ण विच्छेद करना है, तो क प्लस आ, तो क्या बना? का प्लस म प्लस ए, क्या बना? काम। क प्लस आ प्लस म प्लस ए, क्या बना? काम। नेक्स्ट देखिए, कर्म, तो देखिए क के साथ क्या आया? अ प्लस, अब देखिए क के बाद एक र जुड़ रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं हम रेफ, तो ये आधा र आएगा आपका। क प्लस ए प्लस र प्लस म प्लस अ, ये आपका क्या बना? कर्म। अब देखिए क्रम, क्रम में आप क्या लिखोगे? क
प्लस क के साथ हमेशा र खड़ी पाई के नीचे जुड़ेगा, तो क प्लस र प्लस म प्लस अ, ये आपका क्या होगा क्रम। चलिए नेक्स्ट पे हम जाते हैं, निम्नलिखित वर्णों के में से कौन सा शब्द बना है उसमें हमें टिक लगाना है, तो है प्लस अ ह, र प्लस अ हर, तो ये हमारा फर्स्ट सही होगा। है प्लस ई ही, र प्लस आ रा हीरा, ये हमारा करेक्ट होगा। ग प्लस री, री की मात्रा वाला ये है, और है प्लस ए ग्रे है। ग प्लस उ गु, र प्लस उ रु गुरु। नेक्स्ट देखिए क प्लस आ का, ल प्लस आ ला काला। तो बच्चों इस प्रकार हमारी पीडीएफ यहीं पर समाप्त होती है, ये आपको बुक एक्सरसाइज सब कुछ आपको दे दिया जाएगा, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इसको कंप्लीट कीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। धन्यवाद।